Guys, welcome to another session of the Victory. This is Nandita Arora, and today we will discuss about some tricky topic which is very important for BMS first year padharth vigyan topic hai, or as well as the AIPGT aspirants jo ki post graduation ka entrance dene wale hain, jahan pe bahut hi kuch samay kuch seconds milte hain to answer single question. And आजकल जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि एक टफ एरिया में कैटेगराइज होते हैं, वो है कि इनमें से कौन सा ताच्छिल्य नहीं है, इनमें से कौन सा वादमार्ग नहीं है, इनमें से कौन सी तंत्र युक्तियां नहीं है. स्टूडेंट्स रियली आई अप्रिशिएटेड दे ट्राई टू लर्न दीज टॉपिक्स. बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, 2-4 घंटे लगाते हैं एक टॉपिक को पढ़ने के लिए, बट इवेंचुअली जब एग्जाम पास में आता है और बिल्कुल 5 साल का सिलेबस इकट्ठा आपको देना पड़ता है, उस टाइम पे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एंड मेमोराइज अगेन द ऑल द नेम्स ऑफ ताच्छिल्यास, द तंत्र युक्तियास, वादमार्ग. तो उसके लिए एट द एंड एक सॉल्यूशन होता है कि भाई जस्ट स्किप द क्वेश्चन, ठीक है, रादर देन नेगेटिव मार्किंग, जस्ट स्किप द क्वेश्चन. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई हैव मेड सम वीडियो फॉर दिस टॉपिक जिसमें कुछ क्रिएटिव कंटेंट है, और आई एश्योर यू कि वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर एंड recollect it in just few seconds without any negative marking. So let's start. The topic for today is Tachilya, which I have made easy for specifically AIAPGT, and also this will be helpful for the students who have just started BAMS, jinka padharth vigyan subject hota hai, to unke liye bhi. But I always will say I am not going on the literal meanings of these topics, but after watching this video, I suggest you, advise you to just read the literal meanings, the explanation and commentaries which is given in your padharth vigyan textbooks. That will help you to make your knowledge more powerful and your logics more intent. And all obviously, you will be able to retain it till long term, right? So let's start. The topic for today was Tachilya. Tachilya according to Ayurveda is 17. Question ye bhi aa sakta hai seedha ki according to Ayurveda number of Tachilya that is 17. But ye bahut old class question ho chuka hai. Seedha naam pucha jata hai which becomes very difficult to memorize. But is video ke baad that will be very easy for you. So let's start. Isme मैंने निमोनिक्स या कोड्स कुछ नहीं बनाए हैं, क्योंकि ए बी सी डी निमोनिक्स बनाते हैं हम कुछ चीज़ों के और वहाँ पे हम भूल जाते हैं. हमें निमोनिक याद रहता है बट सी और डी से क्या चीज़ें थी और भूल जाते हैं. और क्वेश्चन में खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई कि दो उसी सेम लेटर से अगर ऑप्शन आ गए, देन वी गेट कन्फ्यूज. सो फॉर दैट, फॉर द पर्पज ऑफ एक्यूरेसी, आई हैव क्रिएटेड अ थिंग जिसमें हम क्या करेंगे, एक स्टोरी को इमेजिन करेंगे. तो यहाँ पे एक हमारे भूत बाबा है. ताच्छिल्य में कौन आते हैं, हमारे भूत बाबा आते हैं. अब भूत बाबा ने क्या किया, भूत बाबा केले का छिलका खाते हैं, केला खा लेते हैं और साथ में छिलका भी खा लेते हैं. भूत बाबा को पता ही नहीं है कि केले का छिलका नहीं खाना है, तो वो साथ में केले का छिलका भी खा लेते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, हमारी बॉडी को तो पता है कि सिर्फ केला ही डाइजेस्ट करना है. नाउ दैट छिलका गेट्स स्टक ऑन द लिवर. तो यहाँ टू डायग्राम्स है, वन इज सम नेगेटिव एनर्जी दैट इज भूत बाबा, एंड दूसरा उनकी लिवर, उन्हीं की लिवर है जिसके ऊपर केले का छिलका अटक गया जाके. नाउ व्हाट हैपेंस अगर हम किसी भी बॉडी को दिक्कत करेंगे, कुछ भी अगर उल्टा सीधा उसके साथ करेंगे, तो ऑब्वियसली वो इंसान बोलेगा, ऑब्वियसली वो चीज जो है वो हमारे जो है वो डिफेंड करेगी अपने आप को. तो लिवर जो है वो बोलने लग जाती है कि तुम क्या करते हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या खाना है क्या नहीं खाना है. एंड दे जस्ट स्टार्ट फाइटिंग ऑन दिस टॉपिक. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइटिंग, टॉपिक क्या उनका फाइट करने का, कि हम में से जो है वो कौन ज्यादा गुणवान है. नाउ दिस भूत बाबा से इसकी मुझे सब ज्ञान है, मुझे पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डोंट tell me, right? I am very superior. But this liver says, no, I am superior because I just digest all the shit that you eat. So this is a basic conversation that is going on between these two things. So Bhut Baba and liver. And now they have this thing is happening in India. Or Indian society, kya hoti hai ki one person makes a problem and it's like so helpful. All the other people just come out of their houses and just start, you know, feeling things. Ki what is happening? तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जैसे इन्होंने अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करनी स्टार्ट करी, ऑल द पीपल ऑफ अराउंड ऑल द पीपल दे कम स्टार्ट वॉचिंग एंड देन गिव प्री एडवाइसेस विच इज द एक्चुअल वर्क ऑफ पीपल, राइट. तो यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि कुछ हमारे ओल्ड पीपल होते हैं. अब ओल्ड पीपल बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं, बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं चीजों को लेकर. तो वहां से कुछ किटी पार्टी अपना ये एक साइड में ओल्ड पीपल वो कर रहे हैं, राइट. वहां से कुछ लोग बाहर आ जाते हैं और देखने लग जाते हैं भूत बाबा क्या कर रहे हैं. कुछ वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है एक साइड पे, वहां पे कुछ लेबरर्स काम कर रहे हैं, वो बाहर आके देखने लग जाते हैं. देयर इज और रोड पे कुछ रिलीजियस रैली जो है वो जा रही है और कुछ रिलीजियस पीपल वहां पे रुक जाते हैं और देखने लग जाते हैं भाई क्या हो गया.
So these are the three slots of people which come and see the Bhut Baba's story, right? So kuch sakt log hain, kuch karmchari hain, aur kuch religious log hain, jo ki aa jate hain. Now what they say, they give free advices. Now what is the advice that they give? They ask Bhut Baba, bhai kya hua, what happened? So Bhut Baba tells the story ki bhai aisa aisa ho gaya, maine kela ka chilka kha liya, now this liver is just fighting with me. तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई समाधान नहीं निकलेगा, कभी भी तुम पीस में नहीं रह सकते हो. जस्ट लिसन ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई एम सेइंग, दिस इज ऑल रिलेटेड टू द एक्चुअल कंटेंट. सो जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली, मजे के साथ साथ इसको अच्छे से सुनो भी क्या बोल रही हूँ मैं, राइट? तो ऑल दीज थ्री पीपल कम एंड ये क्या बोल रहे हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप या तो अपना स्किल्स नहीं दिखाओगे या फिर हमें कुछ करके नहीं दिखाओगे. इधर यू टेल अस सम स्किल्स, अपने कुछ गुण दिखाओ, अपने कुछ प्रदर्शनियां दिखाओ, कुछ स्किल्स दिखाओ, कुछ चेष्टा करो, तो हमें जो है वो पता लगेगा कि आप दोनों में से कौन विनर है. नाउ दिस भूत बाबा, ही हैज सम सुपरनैचुरल पावर, ही हैज सम स्किल्स, ठीक है, एक सिक्स सेंस है. तो दिस भूत बाबा को पता लग गया कि ये दुनिया तो लड़ाई करवाने के लिए आ रही है, हमें शांति से खुद रहना पड़ेगा. सो दिस भूत बाबा गेट्स अ कॉमन ग्राउंड विद द लिवर. तो ये बोल रहा है कि अगर मैं बहुत ज्यादा चेष्टा करूंगा जो ये लोग बोल रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत होगी, एंड अगर लिवर बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर डांस करने लग जाएगी तो मुझे बहुत दिक्कत होगी. तो इसीलिए हम एक बहुत ही हार्मोनियस तरीके से, हार्मनी से दोनों अपने साथ इकट्ठे रह लेते हैं एंड जस्ट एंड दिस टॉपिक. दैट इज द बेसिक बेस्ट सॉल्यूशन, अदरवाइज दिस पीपल will just make us fight. हमें तो ये लड़ाई यहाँ पे शुरू कर देंगे. सो दिस इज द थिंग, इसी से हमारा जो मूल है, जो हमारा सोर्स है लड़ाई का, वो खत्म हो सकता है, राइट? नाउ जस्ट कम टू द मेन थिंग. भूत बाबा इज भूयस्त. इनको क्या था? इनको एक विकार हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने खाया केले का छिलका, केले के साथ केले का छिलका खाया और वो छिलका अड़ गया लिवर पे जाके. नाउ वट हैपन्स, दिस भूत इज भूयस्त, डिजीज हुई, विकार. लिवर संस्कृत में क्या बोलते हैं? अवयव. अवयव छिलके से याद आएगा आपको, ताछिल्य, छिलका, ताछिल्य. एंड दिस लिवर एंड दिस भूत बाबा इज इन वेरी क्लोज कंटेक्ट. ऑब्वियसली उनकी लिवर है तो क्लोज कंटेक्ट में है, तो सामीप्य. एंड वट इज द कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन दैम? इज कौन ज्यादा गुणवान है, हु इज मोर सुपीरियर? सो गुणी, गुड, विभव, राइट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल कम अराउंड दैम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, टाइप्स, प्रकार, एंड एक जगह पे आ जाते हैं सारे. इंडियन सोसाइटी बहुत टाइम है सबके पास, सब इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे. स्थान, प्रकार एंड स्थान, राइट? कुछ उनमें से, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल दैट हैव गैदर्ड अराउंड देम? वन इज वेरी सख्त पीपल, संसक्त. सेकंड इज सम कर्मचारी, सम लेबरर्स, कर्म. एंड थर्ड इज सम रिलीजियस पीपल, रिलीजियस जो कि अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, तद धर्मता, राइट? एंड नाउ व्हाट दे गिव देयर फ्री सजेशंस, फ्री एडवाइसेस क्या दे रहे हैं ये लोग, कि इधर यू शो अस सम गुणास, इधर यू डू सम चेष्टा. तो गुण निमित्त एंड चेष्टा निमित्त. निमित्त इज सम, निमित्त का मतलब होता है एक एसोसिएशन. तो यहाँ तो आप अपनी गुणों की एसोसिएशन दिखाओ, गुण निमित्त, और इधर चेष्टा निमित्त, तभी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है. सॉल्यूशन इज अर्थ, उत्तर, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन. तो तद अर्थया इज सॉल्यूशन, तभी आपकी प्रॉब्लम का एक हार्मोनियस सॉल्यूशन निकलेगा. प्रॉब्लम इज मूल सोर्स, मूल संज्ञा, तभी आप एक हार्मनी में रह पाएंगे, एक साधर्म्य में, सहचर्या, सहचर्य में रह पाएंगे. सो यू हैव टू फाइट. लोग क्या बोलते हैं? यू हैव टू फाइट इमीडिएटली, यू हैव टू फाइट इमीडिएटली. तो इमीडिएटली इज जैसे बोलते हैं ना, तत्काल चीज करनी है, तो तत्स्थ्या, तत्स्थ्या. रियलाइज इट वंस अगेन, भूयस्त विकार, भूत बाबा का विकार. अवयव उनकी लिवर, ताछिल्य उनका केले का छिलका. क्लोज प्रॉक्सिमिटी, सामीप्य. क्या कन्वर्सेशन है? गुणी, गुण, विभव. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल गैदर्ड, प्रकार. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल गैदर्ड इन वन प्लेस, प्रकार एंड स्थान. व्हाट आर द स्लॉट्स? संसक्त, सक्त लोग, कर्म, कर्मचारी, एंड तद्धर्मता, रिलीजियस पीपल. गुण निमित्त, चेष्टा निमित्त, द फ्री एडवाइस इज गिवन बाय दोज पीपल. सॉल्यूशन तद अर्थया, तभी निकलेगा आपकी प्रॉब्लम का, आपके मूल का, मूल संज्ञा, तभी आप हार्मनी में रह सकते हैं, साचर्य में रह सकते हैं. एंड यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, तथस्त्या, राइट? तत्काल आपको करना पड़ेगा, तथस्त्या. तो इसमें से कोई भी वर्ड आपको ऑप्शन में आता है और पूछते हैं इनमें से कौन सा ताछिल्य है, यू कैन जस्ट मार्क द राइट आंसर इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स. सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टूडे एंड जस्ट यू कैन प्ले इट वंस अगेन. अगर आपको थोड़ा सा फास्ट हो गया तो यू कैन जस्ट रिप्ले इट वंस अगेन एंड वॉच इट, एंड विद माय अश्योरेंस यू विल एबल टू रिटेन इट
in a long term. So thank you so much for watching this video, and stay tuned on this channel for more upcoming updates. Like, share, subscribe, show some love, and till then, take care. Bye-bye. Thank you. Thank you.